हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है मीन निकालना, ठीक है, अर्थमेटिक मीन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सीरियल नंबर दिया है और मार्क्स दिया है। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 है सीरियल नंबर। और आपका मार्क्स का सम कर लीजिएगा, 10, 8, 12, 14, 16, 19, 10, 5, 11, 13, 17 and 9। तो टोटल करने के बाद आपका आ रहा है 144 सम करने पर। तो उसको अब हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो फॉर्मूला अप्लाई करके आपका आ जाएगा मीन इज इक्वल टू 12 आना, ठीक है। फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड है और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है ये वाला, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ठीक है। और वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। सीरियल नंबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6। मार्क्स दिया है 17, 32, 35, 33, 15, 21 और टोटल आउट करके आपका आएगा 153 और यहाँ पर टोटल 6 है। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन करके आपका आ जाएगा 153 डिवाइडेड बाय 6 करके आपका आएगा 25.5, जो कि आपका आंसर है, मीन आपका निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ 1, 2, 3, 4, 8। ये नंबर दिया गया है और इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। टोटल 5 नंबर्स, तो सबको ऐड कर लीजिए, उसके बाद डिवाइड कर लीजिए टोटल 5 से, ठीक है। तो आपका ये आंसर निकलेगा 18 डिवाइडेड बाई 5, आपका निकल जाएगा आंसर, ठीक है। जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ, नंबर दिया हुआ है 1, 1, 1, 6, 2, 8, 8, 8, 3, 6, 6, 2। अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग बोला जाता है डिस्क्रीट मेथड। हम लोग जो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस उसको डिस्क्रीट मेथड कहते हैं, ठीक है। एक्स कितना बार आया था, 3 बार आया था, 2 बार आया था, 3 1 बार आया था, और 6 3 बार आया था, और 8 3 बार आया था। तो एफ एक्स निकाल लीजिएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 42 और यहाँ पर आपका सम करके 12 आ जाएगा। और उसको फॉर्मूला में अप्लाई कर दीजिएगा, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ, आपका हो जाएगा 42 बाय 12, दैट इज 3.5 आपका आंसर निकलेगा इसका क्वेश्चंस का। और अब देखिए शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं उसको। शॉर्टकट मेथड में हम लोग कोई भी वैल्यू लेते हैं एक्स से, ये जो एक्स है यहाँ से कोई भी एक वैल्यू लेते हैं और उसको एज्यूम्ड मीन मान के चलते हैं। और फिर सेकेंड में आपका डेविएशन निकालना रहता है, तो एक्स माइनस ए कर देंगे, ठीक है। थर्ड में आपका फॉर्मूला अप्लाई करना है ये वाला, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड, और एक्स दिया है, एफ दिया है, डी एक्स आप निकाल सकते हैं एक्स माइनस ए करके, ए यहाँ पर 3 हम लोग माने हैं, और एफ डी एक्स आपको मल्टीप्लाई करना होगा इसको इससे, तो इतना आ जाएगा। और आपका इसका एफ डी एक्स का जो टोटल है वो आपका -120 है और फ्रीक्वेंसी का टोटल है आपका 1000, ठीक है।
अब इसको आंसर देखिएगा, इसका फॉर्मूला में पुट करने से आएगा मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, तो ये हो जाता है 3 प्लस माइनस 120 डिवाइडेड बाय 1000। इसको आंसर निकालने के बाद आएगा आपका 3 माइनस 0.12 हो जाएगा इसका करने से, तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा एक्स इसका 2.88 आ जाएगा। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड अब हम लोग देखते हैं। तो इसमें सिग्मा एक्स इसका ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इनटू आई होता है। आई यहाँ पर जो आई है उसका मतलब है क्लास डिफरेंस, डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय वन डिवाइडेड बाय आई, तो यहाँ पर डी एक्स बाय आई करना है। ठीक है, क्लास इंटरवल्स दिया है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। और यहाँ पर हम लोग 65 जो है उसको ए माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस ए इज इक्वल टू डी एक्स है आपका, और डी एक्स डिवाइडेड बाय आई ये वाला, और यहाँ पर है एफ डी एक्स। ठीक है, एफ डी एक्स का जो सम टोटल है वो 9 है और फ्रीक्वेंसी आपका 60, फ्रीक्वेंसी का टोटल आपका 60 है, तो डिवाइड कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा। और उसको फॉर्मूला में अप्लाई करना है तो देखिए ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू आई, तो ये देख लीजिए 65 प्लस 9 बाय 60 इंटू 10, तो ये 1.5 हो जाता है। ये हो जाएगा आपका 65 प्लस 1.5 डैट इज 66.5 आपका मीन निकल गया। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही।